नमस्कार। विभाग विरोधी महेश सिंह विरोध आज फिर रूबरू आपके सामने। चलिए आज सीधे चर्चा करते हैं उस तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की, जिसे लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। यह आपको मालूम होगा, महुआ मोइत्रा पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक व्यवसायी हीरा नंदानी से पैसे लेकर अडानी के व्यवसाय से संबंधित कुछ सवाल पूछे। मामले ने तुल पकड़ा, एथिक्स कमेटी में गई मामला, क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण गंभीर आरोप यह लग गया उन्होंने लोकसभा सचिवालय के लॉगिन का कोड, वो नंबर हीरा नंदानी को सौंपा था सीधे सवाल पूछने के लिए इनके नाम पर। यह एक अत्यंत ही गंभीर आरोप है। इन सबों के आलोक में अगर एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है तो इस पर सवाल तो नहीं उठने चाहिए, लेकिन राजनीति है और पूर्व की कुछ घटनाओं का हवाले देकर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह जो अनुशंसा है एथिक्स कमेटी की वह पूर्वाग्रही है और गलत है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की ओर से बताया गया। बता दूं कि 10 सदस्यीय एथिक्स कमेटी के 6 सदस्यों ने सहमति जताते हुए सिफारिश का समर्थन किया, जबकि 4 सदस्यों ने इसे पूर्वाग्रही और गलत बताते हुए असहमति के नोट पर हस्ताक्षर किया। यह अपेक्षित था पहले से, क्योंकि यहां सब कुछ क्षमा करेंगे इस टिप्पणी के लिए कि योग्यता के आधार पर इंद्रो नहीं होता है, कुछ अपवाद छोड़ दे, कुछ होते होंगे। अब यहां दलीय प्रतिबद्धता और संख्या बल के आधार पर सब कुछ होता है। वैसे में राजनीति और सिर्फ राजनीति होती है और इसके साए में जो सच्चाई है वह दब जाती है, नैतिकता का तो कहीं अता पता भी नहीं चलता है। वैसे भी इन दिनों राजनीति में नैतिकता की बात करना ही मुड़ता है। महुआ मोइत्रा के मामले को जब उठा, जब बात सामने आई, तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपना लॉगिन खुद दिया हीरा नंदानी को, गलत था, उसमें कोई शक नहीं, सवाल पूछे गए। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण पहलू यह आता है, जो तटस्थ समीक्षक है समाज में, जो लोग चर्चा करते हैं उनके बीच ये चर्चा है कि यह तीसरा मामला है सच पूछिए तो, कि जब किसी व्यक्ति ने अदानी के ऊपर सवाल उठाए और उन्हें इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ध्यान रहे, पहला राहुल गांधी, उन्होंने संसद के अंदर प्रधानमंत्री पर अदानी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप, सीधा आरोप संसद के अंदर लगाया। क्या हुआ मालूम है? गुजरात की एक निचली अदालत ने एक फैसला दिया, उन्हें सजा सुनाई और आनन फान में करते उनके संसद की सदस्यता तक रद्द करके उनका मकान तक खाली करवा लिया गया था। यह सबके सामने है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो मामला कुछ दबा, लेकिन यह सामने है। दूसरा संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने भी राज्यसभा में अडानी के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर आरोप लगाए, नतीजा क्या हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। और यह तीसरा मामला महुआ मोइत्रा का था, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, जिन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया और अब उन्हें संसद की सदस्यता से बाहर करने का, उनकी सदस्यता रद्द करने का खतरा सामने पैदा हो गया। सिफारिश कर दी है लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने। यह एक सवाल उठता है तो कि क्या अडानी के खिलाफ या अडानी से संबंधित कोई सवाल देश में कोई नहीं पूछे? यह एक सवाल खड़ा होता है, एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसे सत्ता पक्ष का जवाब देना होगा। क्योंकि यह अगर धारणा आम जनता के बीच बैठ कर जाती है तो फिर हमारी
उस लोकतंत्र का क्या होगा जहां पर समाज के सजग प्रहरी हमेशा सक्रिय रहकर इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं व्यवसायिक घरानों पर या अन्य लोगों पर, या पूर्वाग्रही कदम उठाते हुए निर्वाचित सांसदों को प्रताड़ित करने का मामला आता है, तो उसके प्रतिरोध स्वरूप कौन से कदम उठाए जाए, या इस पर कोई चर्चा हो भी या नहीं हो, क्या सभी मौन रह जाए? यह एक सवाल है, एक मंथन का विषय है और इसका जवाब ढूंढा जाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर है, क्योंकि यह धारणा नहीं बननी चाहिए आम लोगों के बीच कि हमारे लोकतांत्रिक भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश है। और वैसे असहज प्रश्न पूछने की तो आजादी कतई नहीं है जिससे सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़े, यह धारणा नहीं बननी चाहिए। यह लोकतंत्र है और यह हमारा वह पवित्र लोकतंत्र है जहां सभी को सवाल पूछने के अधिकार प्राप्त है, अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है। ऐसे में जब ये तीन घटनाएं मैंने बताई, अडानी को लेकर, राहुल गांधी, संजय सिंह और महुआ मोइत्रा, तो इससे तो यही संदेश जाता है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये संदेश जाता है कि अगर कोई अडानी के खिलाफ या अडानी को लेकर सवाल पूछता है, उनका मामला उठाता है, तो उसे ऐसी असहज स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। संसद की सदस्यता तक जा सकती है अगर वो सांसद है, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस देश में दुखद रूप से इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हालांकि इस मामले में एक बता दूं, महुआ मोइत्रा के ऊपर सवाल, उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे, यह एक गंभीर आरोप है, इसकी अनुमति हमारा लोकतंत्र नहीं देता, या जो विशेषाधिकार प्राप्त है शास्त्रों को उसमें भी ऐसी अनुमति नहीं है। आप जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, आप जनहित में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप किसी विशेष कारणों से अपने निजी हित के लिए, जिसमें आर्थिक हित मजबूत है, आप पैसे लेकर अगर सवाल पूछते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब सवाल यह उठता है, जैसे कि महुआ ने कहा कि यह सब पूर्वाग्रही कदम है, आरोप है, उन्होंने सारे आरोपों को झूठा और गलत बताया है, इसकी जांच हो, इसकी जांच आवश्यक है, इसकी पूरी तरह जांच हो कि उन्होंने पैसे लिए या नहीं लिए, अगर पैसे लिए हैं तो कठोरतम कार्रवाई हो, इसका समर्थन, लेकिन अगर पैसा लेना संदिग्ध है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर जो संबंधित कमेटी है, एथिक्स कमेटी हो या अन्य कोई कमेटी हो, लोकसभा सचिवालय कमेटी हो, वह इसकी ईमानदारी से निष्पक्षता पूर्वक जांच करे, कोई दोषी हो वह अवश्य दोष दंडित किया जाए, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो उसे सिर्फ शक के आधार पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। हमारी एक धारणा है कानूनी कानून को लेकर के और न्याय प्रक्रिया को लेकर कि भले ही अनेक दोषी छूट जाए, लेकिन कोई एक निर्दोष दंडित नहीं किया जाए, यह तो अवधारणा है हमारे कानून की। ऐसे में महुआ मोइत्रा अगर यह बोल रही हैं कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप झूठे हैं, तो इसकी एक निष्पक्ष विस्तृत जांच हो, अगर वह उस जांच में दोषी पाई जाती है अवश्य उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन एक मौका उन्हें दिया जाना चाहिए उनके बातों को रखने का और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं बता दूं, इस तरह की एक घटना, बहुत चर्चित घटना हुई थी पैसे लेकर संसद से सवाल पूछने का, 2004 या 2005 की घटना है, कांग्रेस एक सांसद थे रामसेवक सिंह, उनके नाम पर सवाल पूछे गए थे, बहुत हंगामा हुआ, आरोप था पैसे लेकर के सवाल पूछने का,
तब यह पाया गया था कि 10 सांसदों के जाली दस्तखत से सवाल पूछे गए, 10 सांसदों के जाली दस्तखत से उसकी जांच हुई। विडंबना के रूप में यह तो प्रमाणित हुआ कि दस्तखत जाली है, लेकिन वो जाली दस्तखत का फर्जीवाड़ा करने वाला कौन था यह आज तक पता नहीं चल पाया, या जांच करने वाले समिति जो समन्वय समिति वो पता नहीं कर पाई। इससे संदेह पैदा होता है। रामसेवक सिंह की सदस्यता चली गई थी, लेकिन जो बातें मैंने बताया उससे संबंधित फर्जी वाड़ा करने वाले का पता आज तक नहीं चला, क्योंकि उत्तम रामसेवक सिंह करना था कि उनकी जानकारी में था, वह स्वस्थ थे, उसमें उनके व्यस्त थे, उन्हें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, लेकिन उनकी बातों का संज्ञान उस रूप में नहीं लिया गया जिस रूप में लिया जाना चाहिए, अर्थात गंभीरता पूर्वक उनकी बातों को नहीं सुना गया और उसकी जांच नहीं की गई। ऐसा इस मामले में मवई और मोहित्रा के मामले में भी नहीं हुआ। फिर दोहरा दूं, अगर वो पैसा लेकर सवाल पूछने के दोषी पाई जाती है तो उन्हें कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई भी उन्हें राहत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ संदेह के आधार पर ऐसा कुछ नहीं हो, इसकी विस्तृत जांच हो, जैसा कि वो स्वयं मांग कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी मांग कर रही है। एक निर्वाचित सांसद जब संसद में पहुंचता है तो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक वह संविधान की शपथ लेता है, ईमानदारी की, निष्पक्षता की और जनहित में काम करने की। ऐसे में उसका कोई भी तत्संबंधी विपरीत आचरण स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हमारे यहां कुछ संवैधानिक खामियां हैं, कानूनी खामियां हैं। हमारे यहां अगर कहे कि अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो संसद के अंदर मौजूद सांसदों में आप चौंक जाएंगे, वो संख्या सुनकर के जान करके कि कितने सांसदों का पार्श्व संदिग्ध अर्थात आपराधिक रहा है, कितने आपराधिक मामलों में वे संलिप्त रहे हैं, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद वो संसद में पहुंच जाते हैं तो फिर उनसे आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं जिसका पार्श्व आपराधिक है। हमारे कानून बने हुए, नियम बने हुए हैं, ठीक है, कोई दंडित किया गया, कोई कन्विक्ट चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर इस तरह के आरोप है तो उसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। कोई ऐसा बंधन होना चाहिए कि उस पार्श्व का कोई व्यक्ति अपने धन बल से या बाहुबल से निर्वाचित होकर जनता के बीच से वो संसद में न पहुंच जाए। याद कीजिए, यह सब हुआ था 1967 के बाद से, जब बाहुबली विभिन्न विधानसभाओं और संसद में पहुंचने लगे स्वयं, और उसका कारण यह था कि उसके पूर्व जो दो चुनाव हुए थे 1957 और 1952 में, तो उस समय अनेक उम्मीदवारों ने इन बाहुबलियों का सहारा लेकर, धन बल का सहारा लेकर चुनाव जीतना शुरू किया था और चुनाव जीतते थे। नतीजा यह हुआ कि एक बार उन बाहुबलियों के हृदय में यह उछाल आया कि जब हमारे समर्थन से वो सांसद बन सकता है, विधानसभा सदस्य बन सकता है, तो हम स्वयं क्यों नहीं। यह 1967 की बात, और तब अनेक बाहुबली उन्होंने चुनाव लड़ा और वो संसद में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे। उस समय से जो यह प्रक्रिया शुरू हुई कमोबेश आज भी जारी है। तो इस पर कैसे अंकुश लगे, इसकी उपाय ढूंढे जाने चाहिए। यह आवश्यक है कि संदिग्ध पार्श्व के व्यक्ति, आपराधिक पार्श्व के व्यक्ति संसद में या विधानसभा में न पहुंचे। वो एक पवित्र मंदिर है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जिसके पवित्रता अक्षुण रखने के लिए आवश्यक है कि वहां कोई दुष्चरित्र न पहुंचे, सिर्फ सच्चरित्र
न क्षमा करें, कोई दुष्चरित्र न पहुंचे, सच्चरित्र ही पहुंचे, तभी वे जनता के साथ अर्थात लोकतंत्र के साथ न्याय कर पाएंगे और अपने शपथ, संविधान की जो शपथ लेते हैं उसकी मर्यादा कायम रख पाएंगे। महुआ मोइत्रा के मामले को लेकर ये सारे सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं और यह बहुत जरूरी है कि इनके जवाब ढूंढे जाए, अन्यथा फिर वही पूर्वाग्रही और गलत की आड़ लेकर के ऐसे लोग बसते भी रहेंगे। इसलिए जब आरोप लगे तो उसे पूरी तरह न्याय के आवरण में उसे साबित किया जाना चाहिए। आम जनता के बीच भी यह जानकारी मौजूद रहनी चाहिए कि जो आरोप लगे हैं वो सही आरोप है, उसे जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई हक नहीं है। तो एक बार फिर याद रहता है कि महुआ मोइत्रा के मामले की विस्तृत निष्पक्ष जांच हो और वो दंड, और अगर वो दोषी पाई जाती है कठोरतम दंड दिया जाए, सिर्फ संसद की सदस्यता से निष्कासित किया जाए, उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाए और कानूनन कार्रवाई हो, और अगर सिर्फ संदेह है, सिर्फ आरोप है और प्रमाण मौजूद नहीं है तो फिर उन्हें न्याय मिलना चाहिए। यह आवश्यक है। यह सिर्फ एक महुआ मोइत्रा का मामला नहीं, यह पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र के प्रति पवित्रता और ईमानदारी का मामला है, लोगों के विश्वास का मामला है, लोगों के अहंकार का मामला है, स्वाभिमान का मामला है, अपने लोकतंत्र को लेकर, अपने लोकतांत्रिक भारत को लेकर। इसके ऊपर कोई भी उंगली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद।